नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी भाई चैनल से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है सुजानगढ़ के समाज सेवी गोपाल जी प्रजापत और हमारे बीच मौजूद है राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी पारिक और एक छापर के दबंग नेता समाज सेवी ऊर्जावान भागीरथ जी कुलरी हमारे बीच मौजूद है। और सर्दी का प्रकोप छापर के अंदर बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखिए अलाव के बीच के अंदर हमारे बीच हमारे मेहमान लोग हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले हम गोपाल जी से बात करते हैं। गोपाल जी, आपके लड़के ने डॉक्टरी की है और हमने सुना है कि बिदासर के अंदर क्लिनिक खोल रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे गोपाल जी? कल 11:15 बजे ओपनिंग है उसकी, आपको सभी लोगों को पधारना है और उस बच्चे को आशीर्वाद देना है। अच्छा डॉक्टर है, आपके सारे कष्टों का निवारण करेगा, धन्यवाद। एक गोपाल जी ये बताइए, ये क्लिनिक आपका लड़का जो डॉक्टर है वो क्या चीज़ का कर रहा है? BDS दांतों का डॉक्टर है। दांतों का डॉक्टर है। अगर आपके किसी भी प्रकार के दांतों की समस्या है तो बिदासर में कल से क्लिनिक खुल रहा है हमारे गोपाल जी के छोटे लड़के जिनका, उसका स्थान क्या है आप हमारे दर्शकों को उसका पता बताएंगे सर? बिदासर में SBI बैंक के पास है और अमित डेंटल क्लिनिक के नाम से। अगर आपको अगर दांतों में कोई भी प्रकार की समस्या हो तो आप इनके क्लिनिक पे जाके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये हमारे बीच सुजानगढ़ के गोपाल जी प्रजापत जो एक समाज सेवी है और पैसे से इनका शादी विवाहों के अंदर वाल का, क्रेन का, कैमरे का, कोई भी ड्रोन उड़ाने का अगर कोई भी काम हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका नाम है गोपाल जी प्रजापत। कोई नंबर इनके हो तो आपका अगर मोबाइल नंबर हो तो आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर? 9828320616। अगर आपको अगर कोई भी समस्या हो तो आप इन नंबरों से हमारे गोपाल जी से संपर्क कर सकते हैं। दूसरे हमारे बीच मौजूद है राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी पारिक जो छापर में चेयरमैन की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। फेसबुक हो या चाहे यूट्यूब हो चाहे कहीं भी हो, इनका नाम छापर के अंदर पॉपुलर हो रखा है। अरविंद जी, पिछले इंटरव्यू में आपने इंटरव्यू दिया था उसके अंदर बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं जिनमें काफ़ी छापर की समस्याएं आपके सामने जाहिर किए कि अगर आप चेयरमैन बन जाओगे तो आप ये काम छापर का कराओगे कि नहीं कराओगे, मतलब ये मतलब दर्शकों की जिज्ञासा हो रखी है। आप हमारे दर्शकों को बताइए अरविंद जी आप आगे का। सबसे पहले तो बंटी भाई चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। साथियों, छापर के लोगों का बंटी भाई जो अपने प्रति, दोनों के प्रति जो स्नेह प्रेम लगाव है उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। चुनाव बिल्कुल निश्चित तौर पर लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और आपको बता दूं कि बंटी भाई चैनल पर मेरे लगातार साक्षात्कार बंटी भाई समय देते हैं अपने चैनल पर, मुझे चैनल पर जगह देते हैं, उसके लिए बंटी भाई को धन्यवाद। जनता का लगाव इसी प्रकार बने रहे तो निश्चित तौर पर उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। बंटी भाई, अगर समस्याएं उनको जो भी कमेंट बॉक्स में आई है उनका अगर वोट के रूप में वो मुझे ताकत देंगे तो निश्चित तौर पर उनको वापस उस ताकत उन्हीं पर उनकी समस्याओं पर ही बरतूंगा कि उनकी समस्याओं का निस्तारण करें। एक अरविंद जी आपका चैनल है गुरु कृपा जो दिन दुना रात चौगुनी तरक्की के शिखर पे पहुंच रहा है, सब उसका कुछ राज आप हमारे मित्रों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जनता का स्नेह, आपके मित्रों का स्नेह, आप उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद है, उनके बदौलत ही फलीभूत हो रहा है। एक हमारे दर्शकों को सर बताएंगे आपने आज कौन कौन से वीडियो अपलोड किए अपने चैनल पे जिसके माध्यम से कुछ पक्षी वगैरह चले गए अपने ताल छापर से, जो अपनी सर्दी धीरे धीरे कम हो रही है तो यहाँ से उड़ान भरने शुरू हो गए, तो एक तो उसका वो वीडियो था, एक मेरे पैतृक गांव में कल गया था उसका वीडियो था गांव का, यही सब है और तो कोई खास तो था नहीं। और शादियों का सीजन चल रहा है अरविंद जी और सर्दी का ये प्रकोप चल रहा है, आप छापर के जितने भी अभिभावक हैं उनको इस सर्दी में कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? सर्दी के लिए मैसेज यही है कि भैया खुद आप खुद अलाव के आगे बैठे हैं और समय अभी हो रहा है, रात के 10 बज रहे हैं, इसको तो बंटी भाई सिगड़ी बोलते हैं। हाँ। आपके ऑफिस के सामने बैठे हम लोग, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? दर्शकों से विशेष निवेदन यही है कि इसको बंद कमरे में आप नहीं जलाएं, रात को सोते, अगर जलाएं भी तो भी रात को सोते समय इसको बाहर रख दें, घर से रूम से बाहर रख दें ताकि वो इसमें ऐसी गैस होती है जिससे आदमी की मृत्यु तक हो जाती है, तो इसको बाहर रखें, विशेष सावधानी रखें। उन्हीं वस्त्रों का
ध्यान रखिए उन्हीं वस्त्र पहने, सर्दी से बचाव का तो यही सब इलाज है, वैसे कड़ाके की सर्दी है अभी भी। एक एक दोस्तों अरविंद जी ने बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी दी है कि एक सिगड़ी अगर आपको अगर इसके अंदर तपना भी हो तो आप बाहर तपें, कमरे के अंदर इसको न रखें। काफ़ी ऐसे वीडियो वायरल हो रखे हैं जिसमें सिगड़ी की वजह से कई आदमियों की जान तक यहां पे चली गई है। अच्छा, इसलिए बंटी भाई एक सिगड़ी अगर कोई घर पर बनाना चाहे हाँ? तो वह बंटी भाई चैनल पर कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उन्हें बहुत सिगड़ी घर पर कैसे बनाई जा सकती है बिना लोहे के, बिना औजार के, बिना किसी कारीगरी के, आप चंद मिनटों में अपने सिगड़ी तैयार कर सकते हो, उसके लिए आप कॉमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में या अगले वीडियो में पूरी इसकी विधि बताएंगे। जो आपको यहाँ 100-200 रुपए लगते हैं, खर्च होते हैं, वो नहीं लगेंगे, निःशुल्क आप अपने घर पर सिगड़ी बना पाएंगे। उसके लिए आपको कमेंट देने होंगे, कमेंट में आप इससे संबंधित सवाल करेंगे। क्या बात है, आप कमेंट के माध्यम से हमें हमें आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अरविंद जी हमारे बीच इन कमेंटों के माध्यम से आपको बताएंगे कि सिगड़ी घर पे बिना पैसों के आप घर में कैसे तैयार कर सकते हैं, और सर्दी के अंदर इसका सबसे ज्यादा उपयोग राजस्थान में होता है जी। और अरविंद जी के बाद हमारे बीच है छापर के दबंग और ऊर्जावान समाज सेवी भागीरथ जी कुलरी। भागीरथ जी कुलरी, आप हमारे छापर के चेयरमैन के शायद आपके फेसबुक कमेंट से या और से हमें लग रहा है कि आप शायद उनके हाथ धो के पीछे पड़ रहे हैं। गाँव की सड़कों का जैसे आपने निरीक्षण किया है, आप बताइए छापर की यहाँ विकास कैसा हो रहा है? विकास के नाम पर छापर में एक बहुत बड़ी धांधली हो रही है, सिर्फ ये दिखाया जाता है कि विकास है, विकास कुछ नहीं है, विकास तो पैदा ही नहीं हुआ अभी तक छापर में, सिर्फ एक विकास बोला जा रहा है। और आप देख सकते हो छापर नगर पालिका अनुसार RIT के तहत कॉपी मांग सकते हो, आपको पूरी उसके अंदर खामे मिल जाएगी। आप देख सकते हो रामदेव जी मंदिर के पीछे एक रोड बनी हुई है, तो सीमेंटेड रोड है, अभी तक वो रोड पूरी नहीं हुई है, उसका नाला काम तो बाकी पड़ा है और टूटनी शुरू हो गई है, क्या इसे विकास कहते हैं? हमें बताइए चेयरमैन साहब। और अरविंद जी आपका आगे का कदम ये भागीरथ जी आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए आपका आगे का कदम क्या होगा छापर के विकास के अंदर? वो देखते जाइए आप धीरे धीरे, और आप भी छापर के चेयरमैन की लाइन के अंदर खड़े हैं, आप भी चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, आप छापर के अंदर अगर चेयरमैन बन जाए तो आप छापर के जनता के लिए आप क्या करेंगे? देखो अगर हम चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे, जनरल सीट आएगी तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी पारिक लड़ेंगे, और OBC सीट आएगी तो हम तैयार हैं चुनाव लड़ेंगे। सर्वप्रथम चुनाव लड़ते ही जो ये भाजपा के राज में जो भ्रष्टाचार हुआ है इसका खुलासा करेंगे, उसके बाद में विकास की बात करेंगे, विकास को पैदा नहीं होने दे रहे हैं वो, इसलिए भ्रष्टाचार का खुलासा करना जरूरी है। क्योंकि आज नगर पालिका के अंदर कोई भी काम करने के लिए जाएगा तो उसको तारीख पे तारीख मिलती है, काम बिल्कुल नहीं मिलता है। एक भागीरथ जी बताइए, अभी जो काम हुआ है छापर के अंदर, विकास कार्य हुआ है, उस कार्य की आप एक छोटी सी टिप्पणी, उसके ऊपर आपने क्या कदम उठाया है, क्या नहीं उठाया है, और आप मतलब आगे क्या करने वाले, आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? वो सब कार्रवाई है, सरकार की कार्रवाई है, प्रशासन की कार्रवाई है, निरंतर प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई कर रहा है, और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको उसकी पूरी डिटेल का पता लग जाएगा कैसे क्यों किसने क्या कार्रवाई की है। और एक भागीरथ जी हम आपसे निवेदन करते हैं, आपने हमें हमारे चैनल पे आपने बताया था कि मैंने एक ऐसा छापर का विकास का ऐसा वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो कब तक हमारे चैनल पे आप प्रकाशित करने वाले हैं कि छापर की रोडें कहाँ 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 मिलावट हुआ है, कहाँ क्या हुआ है, कहाँ खड्डे हैं, कहाँ से क्या हुआ है, ये जो जितनी भी अंदरूनी जो चीज़ें हैं जिसका आपने अंदरूनी वीडियो बनाया है वो कब तक आप हमारे दर्शकों को आप दिखाना बस जा रहे हैं? सामने जल्दी वो मार्च तक वीडियो आ जाएगा। और आप बात कर रहे हो कहाँ कहाँ की, कहाँ नहीं, जहाँ काम हुआ है वहाँ ही वो काम हुआ है, भ्रष्टाचार के अलावा छप्पन नगर पालिका में कुछ नहीं हुआ है, केवल भ्रष्टाचार के नाम पर मोटी रकम सरकार की सरकारी खजाने से भ्रष्टाचार के द्वारा ले गई है, और चेयरमैन ही नहीं कई अधिकारी भी इसमें साथ है, और सब अधिकारियों का खुलासा होना बहुत जरूरी है। और आप हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं, आप भी चेयरमैन की सीट के दावेदार हैं और हमारे अरविंद जी भी सीट के दावेदार हैं। हम सीधी बात एक जनता के द्वारा आपके माध्यम से करें। दोस्तों हमारे सामने अरविंद जी और भागीरथ जी दोनों खड़े हैं, आप कमेंट के माध्यम से, मैं आगे के प्रश्न इन दोनों से करूँ, इससे पहले आप कमेंट के माध्यम से आपको जो भी प्रश्न पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। भागीरथ जी अगर अरविंद जी अगर चेयरमैन
का चुनाव लड़े तो आगे का विकास कार्य के लिए आप अरविंद जी से क्या उम्मीदें करना चाहोगे? देखो सबसे पहले मैं अगर जनरल सीट आए, आप तो ओबीसी की सीट के दावेदार हैं सर, अगर अगर जनरल सीट आए तो छापर के अरविंद जी जो राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार हैं वो इस सीट के अंदर सबसे आगे चल रहे हैं, और अगर जनरल सीट इनकी आए तो आप क्या उम्मीद करते हैं इनसे? कहीं ये छापर देवानी रोड चालू करा देंगे, या किसानों को जो छापर में जो हिरण है वो किसानों को जो नुकसान दे रहा है, आप क्या क्या उम्मीद इनसे लगाओगे? डायरेक्ट बात जनता देख रही है, आप बताइए। मैं अरविंद जी से और अरविंद जी का पूरा छापर सहयोग करेगा उसमें, क्योंकि अभी जो प्रशासन में हमारे अधिकारी बैठे हैं और हमारे नेता बैठे हैं वो तो बिगी बिल्ली बनकर बैठे, केवल भ्रष्टाचार के अलावा उनको कुछ नहीं आता है। हम अरविंद जी का साथ देंगे, छापर देवानी रोड चालू करवाएंगे, ऋणों का भी बंदोबस्त करवाएंगे, और छापर के युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी एक समस्या आ रही है कि छापर में एनसीसी थी जो हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर, वो आज कहाँ गई पता नहीं। वो एनसीसी स्कूल लाना बहुत ज़रूरी है, और अरविंद जी पत्रकार का यही काम रहेगा सबसे पहले कि छापर में चेयरमैन पद पर अध्यक्ष बनते ही ये सब सर्वप्रथम एनसीसी को छापर हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेकर आएंगे। और एक भागीरथ जी, एक अरविंद जी ने अपने नेक्स्ट पहले जो इंटरव्यू दिया था उसके अंदर नारी शक्ति को सबसे आगे लिया था, और उन्होंने ये घोषणा की थी कि सबसे पहले अगर मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ जाऊं तो यहाँ पे महिलाओं के लिए यहाँ कॉलेज खुलवा दूंगा, महाविद्यालय खुलवा दूंगा, ये अरविंद जी ने घोषणा की थी। उसके बारे में अरविंद जी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दोस्त को? बंटी भाई, हर सूरत में अपनी बहनें जो यहाँ से जाती है, सुजानगढ़ के लिए जाना होता है, बसों में धक्के खाने पड़ते हैं, अपनी बहन बेटियाँ हैं, निश्चित तौर पर नहीं 1000% यहाँ महाविद्यालय खुलवाऊंगा। सरकार से नहीं खुला तो सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ूंगा, ठीक है। दूसरी बात रही, भाई भागीरथ ने अभी जो प्रश्न उठाया कि ताल छापर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एनसीसी थी, वह यहाँ से एनसीसी नहीं भागीरथ भाई, यहाँ साइंस थी, साइंस भी यहाँ बंद कर दी गई, साइंस भी यहाँ नहीं रही, उसके लिए भी प्रयासरत रहूँगा, प्रयासरत ही नहीं निश्चित रूप से उसको मूर्त रूप दूंगा। और साइंस और एनसीसी स्काउट, यह तीनों एक्टिविटी आपको वन ईयर के अंदर अंदर लाकर दिखाऊंगा। और ये है हमारे बीच मौजूद सुजानगढ़ के समाज सेवी गोपाल जी प्रजापत। गोपाल जी, आप वैसे तो सुजानगढ़ से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका मोटा मोटी आपका समय छापर में व्यतीत होता है। अगर छापर के अंदर चेयरमैन के चुनाव के अंदर अरविंद जी पारिक जो जनरल सीट के दावेदार हैं और भागीरथ जी कुलहरी जो ओबीसी की सीट के दावेदार हैं, इन दोनों के बारे में आप अपनी राय दीजिए, आप एक आम जनता है। देखिए सर, मैं हूँ ओबीसी से, वैसे तो मैं ओबीसी से सपोर्ट करूँगा, लेकिन विचार इनके अरविंद जी के भी अच्छे हैं तो ज़्यादा सपोर्ट तो इनको भी जाता है। आदि आपके अगर इनसे कोई पर्सनल कोई जानकारी है तो आप इनके बारे में आप हमारे दर्शकों को खुलकर बताइए। नहीं, पर्सनल जानकारी तो दोनों से ही है मेरी, लेकिन लगता है कि दोनों में से एक चेयरमैन बन जाए तो मेरा छापर का विकास होगा, विकास का होगा, और मेरे समझता हूँ मेरे परिवार एकदम। ये हमारे गोपाल जी की मन की बात आप सुन रहे हैं। हम फिर फोकस कर रहे हैं अरविंद जी पारिक और भागीरथ जी कुलहरी पर। एक तो ऊर्जावान छापर के दबंग नेता हैं भागीरथ जी कुलहरी, और एक राजस्थान के एक बीच में एक बात बोलता हूँ। हाँ बोलिए अरविंद जी। सीट सामान्य क्यों ओबीसी क्यों, मैं मेरा व्यक्तिगत बता दूं, ननिहाल मेरा जाटों में है, जब मैं दूल्हा बना शादी हुई मेरी तो मुझे वो बाजोट से जाटों ने उतारा, ठीक है। माँ आज भी जाटों में गोद गई हुई है, तो जाटों में मेरे ननिहाल है। राजपूतों में हम सांडवा ठिकाने के देराजश्री है, तो राजपूत समाज जो है उससे उनके सांडवा ठिकाने के राजगुरु रहे हैं मेरे पूर्वज, आज भी वहाँ सांडवे ठिकाने में कोई अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें पंडित के तौर पर मेरे ही परिवार से लोग जाते हैं, राजपूतों में वो रहा है, ब्राह्मण समाज खुद का है ही। रही बात एससी एसटी की उनकी, तो एससी एसटी में तो शुरू से ही लगाव रहा है, और मेरे अजीज मित्र आज भी चाहे शिवचरण आर्य का नाम हो, चाहे सुजानगढ़ से रविंद्र आर्य हो, धनराज आर्य हो, चाहे ये विनोद आर्य हो, नौरंग जी हो, इन सब से एकदम पारिवारिक से संपर्क है, तो कहीं कोई जातिवाद का अपने आज तक रखा ही नहीं, और निश्चित तौर पर पूरी ताकत के साथ छापर की जनता का जो प्रेम और स्नेह है वो मुझे वोटों के रूप में तब्दील करना है। मुझे पता है कि छापर के लोग मुझे जरूर इस बार अवसर देंगे। एक तरफ तो है छापर के राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी पारिक, और एक तरफ है छापर के ऊर्जावान दबंग नेता भागीरथ जी कुलहरी। भागीरथ जी कुलहरी, अगर आपको किसी भी पार्टी का अगर ऑफर आएगा तो आप सबसे पहले किस पार्टी को आप
ग्रहण करना चाहोगे? देखो पार्टियां पूर्टियां में कोई आनी जानी नहीं है। हाँ, भाजपा और कांग्रेस में क्या आपने देख लिया, छापर के अंदर वार्ड पार्षद से चेयरमैन से एमएलए से मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक भाजपा का रहा है, क्या आपने देखा? भाजपा के राज में पहले हाई सेकेंडरी स्कूल को खोटी बंद करने की स्कीम लगाई गई थी, उसके बाद में छापर से देवानी रोड बंद करने की स्कीम लगाई गई थी, और कांग्रेस वाले उसका उल्टा करते हैं। मेरे ख्याल से दोनों पार्टियों में कुछ नहीं है, सिर्फ अगर किसानों की हित से अगर कोई पार्टी है तो वो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके संयोजक है हमारे आदरणीय शेर ए राजस्थान, युवाओं के हृदय सम्राट हनुमान जी बेनीवाल, और बाकी दोनों पार्टी में कोई आने वाली बात तो है नहीं। इसलिए अगर किसानों का भला देखना है और हिरणों का बंदोबस्त करवाना है तो छापर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चेयरमैन अगर आएगा तो छापर का चहुमुखी विकास होगा और घोटालों का उजागर होगा। अगर छापर के अंदर भागीरथ जी कुलेरी अगर चेयरमैन का चुनाव लड़ते हैं तो उनका सबसे पहले उनका होगा कि वो जो अभी हनुमान जी बेनीवाल की जिसका चुनाव चिन्ह है बोतल, उस पार्टी से चुनाव चिन्ह लड़ने की पूर्व तैयारी के अंदर है। नेक्स्ट हमारे बीच मौजूद है अरविंद जी पारिक। अरविंद जी पारिक, अगर आपको ऑफर मिले, चाहे वो बोतल वाली पार्टी हो, चाहे हाथ वाली पार्टी हो, चाहे फूल वाली पार्टी हो, किसको महत्व दोगे? इन सबको दरकिनार करके जनता को महत्व दूंगा। जनता जी से जिस रूप में आशीर्वाद देना चाहेगी कि आप इस पार्टी में और इस में हम आपका साथ दे रहे हैं, उसी स्वरूप में अपना चेहरा रखूंगा कि चलो जनता की जो मर्जी है अपने उसे स्वीकार करते हैं। जनता जनार्दन होती है, भगवान का रूप होती है, जनता का जो आशीर्वाद रहेगा वही मेरी पार्टी। देखिए दोस्तों, छापर के अंदर ये दो चेहरे पक्का कन्फर्म है जो चेयरमैन के चुनाव के अंदर लड़ रहे हैं, जिनका इंटरव्यू आज हमने हमारे चैनल पे लिया है। अगर और भी कोई छापर के अंदर चुनाव लड़ना चाहे तो वो अपना इंटरव्यू हमारे चैनल के माध्यम से दे सकता है। हमारा चैनल का नाम है बंटी भाई। अगर कोई बंटी भाई चैनल पे अपना इंटरव्यू देना चाहे तो वो जरूर संपर्क करे। हमारे मोबाइल नंबर डिप्रेशन इसके अंदर मैंने नोट कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने नोट कर दिए हैं। और अगर कोई भी अपना इंटरव्यू देना, चैनल को सब्सक्राइब करने का जरा बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, अगर दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वैसे हमारे जो स्टूडियो में अभी तीनों मौजूद है, इन तीनों का चैनल चल रहा है। कल हम विदा सर जा रहे हैं सभी अपने अमित जी जो भतीजे हैं हमारे गोपाल जी के लड़के, उनका अमित डेंटल वो क्लिनिक खुल रहा है सुजानगढ़ के, सॉरी विदा सर के अंदर SBI बैंक के पास, तो वहाँ जरूर पधारे। अच्छे डॉक्टर है, अमित जी से मैं मिला हूँ, वाकई डेंटिस्ट में कोई मुकाबला नहीं है उनका। आप जरूर वहाँ पर दांतों की कोई भी प्रकार की समस्या हो, बच्चे से लेकर अगर 85-90 साल की उम्र के व्यक्ति की अगर परिवार में अपने घर में किसी के कोई तकलीफ हो, आप डॉक्टर अमित से मिले विदा सर जाकर। अच्छे डॉक्टर है, रियायत रेट पर आपका काम करेंगे, सही दाम लगेंगे, कोई गलत पैसे लेते नहीं है। अमित जी बहुत अच्छे डॉक्टर है, इसलिए आप विदा सर उनके क्लिनिक जरूर पधारें। कल 11:15 उनके क्लिनिक का मुहूर्त है। दोस्तों आज के वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या मिली शॉर्ट रूप में हमको आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको सुजानगढ़ के गोपाल जी प्रजापत के बारे में हम विस्तार से आपको बताया। दूसरी बात, छापर के चेयरमैन के दावेदारी, जनरल सीट के दावेदारी वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान पत्रिका के अरविंद जी पारिक को हमने आपको नोट करवाया। तीसरा हमने आपको मुद्दा दिखाया छापर के ऊर्जावान नेता भागीरथ जी कुलेरी का। पांचवी जानकारी हमारे अरविंद जी पत्रकार ने दी कि सिगड़ी के बारे में, जो सर्दियों के अंदर अलाव तपने का एक सबसे बड़ा जरिया है, जिसको कमरे के अंदर न रखें और कमरे से बाहर रखें, क्यों इसका काफी वीडियो वायरल हो गए हैं जिसमें काफी लोगों की जान तक चली गई है। और इसको फ्री कैसे बनाया जाता है वो आप बंटी भाई के कमेंट छट्टा बॉक्स में लिखें ताकि मैं इसके जवाब आपको। और छट्टा अरविंद जी पारिक ने बताया इसको एकदम फ्री के अंदर आप घर पे कैसे बना सकते हैं जिसमें आपका एक अच्छा, भी पैसा नहीं लगता है। अगर घर में रूम में अगर बंद भी रह जाएगा तो भी वो घटना नहीं होगी जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको बंटी भाई चैनल पर कमेंट में सवाल करने होंगे क्या उसमें सामग्री चाहिए, कैसे ये बनती है और कैसे इससे क्यों नहीं दुर्घटना होती और इससे क्यों हो जाती है, हमारे सब आप सवाल करें ताकि हम उनके जवाब आपको आपकी रिप्लाई देंगे। निश्चित हमारे अरविंद जी पारिक ने ऐसी सिगड़ी का निजात किया है जिसके अंदर अगर आप कमरे में जगा के भी छोड़ जाते हैं तो आपको 1% भी नुकसान नहीं होगा और एक पैसा भी उस सिगड़ी बनाने में नहीं लगेगा। आप कमेंट के माध्यम से हमें दीजिए। तब तक के लिए मेरा, गोपाल जी और
और वरिष्ठ पत्रकार साहब राजस्थान पत्रिका के अरविंद जी का और ऊर्जावान नेता छापर के भागीरथ जी कुलरी का जय हिंद जय भारत। फिर एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।